नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए एक ऑफिशियल अपडेट के बारे में। 5/12/2021 को अभी अभी जस्ट एक नया अपडेट आया, आप देख सकते हैं। आरआरसी CEN RRC 01/2019 इम्पॉर्टेंट नोटिस। ये किसके लिए आया? अपलोडिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर, साथ में अप्लीकेशन चेक के लिए, ठीक है। इस लिंक का हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि पीडीएफ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इस पीडीएफ को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 15 तारीख से 26 तारीख को नोटिफिकेशन आया था इसके रिगार्डिंग, कि आप अपने फोटो को मॉडिफिकेशन, फोटो और सिग्नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनका भी अप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। 15/12/2021 से, यहाँ देखिएगा, 15/12/2021 से आप अपने लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा फोटो और सिग्नेचर को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनके लिए एक चांस दिया जा रहा है कि अपने फोटो और सिग्नेचर को सुधार करके वहां सबमिट करें और आपका फॉर्म रिजेक्ट से क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखिएगा, इसके बारे में दिया गया है कि आप कैसे करेंगे। तो ऑल कैंडिडेट चेक एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब सभी कैंडिडेट चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था या रिजेक्ट हुआ था। अगर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनको क्या करना होगा, अप्लीकेशन नंबर, अपना अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको मिला होगा और डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होगा उसको एंटर कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा, वहां आपको दिखा देगा अगर फॉर्म एक्सेप्ट हुआ होगा तो, और रिजेक्ट हुआ होगा तो भी दिखा देगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा जब भी ये ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट होगा, ठीक है। और कैंडिडेट के कीप डियर फोटो, स्कैन फोटो आपके पास होना चाहिए और सिग्नेचर एकदम क्लियर होना चाहिए और आरआरबी की वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है। और यहाँ लिखा है कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन ऑलरेडी एक्सेप्टेड नोट नॉट अप्लाई अगेन। अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखा रहा है कि एक्सेप्टेड हो गया है तो आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, दोबारा से रीअप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। रीअप्लाई आप लोग को नहीं करना है, ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया जाएगा मुझे लगता है। इम्पॉर्टेंट भी यही अपडेट था दोस्तों, 5/12/2021 को आया हुआ है। तो रेलवे ने आज दो दो खुशखबरी हम लोग को दे दिया। पहले तो एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में दिया एक अपडेट है, और एक अब ग्रुप डी के जो छात्र हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि मॉडिफिकेशन लिंक 15/12/2021 को प्रोवाइड करा दिया जाएगा और अप्लीकेशन स्टेटस भी सभी कैंडिडेट के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और जब भी लिंक आएगा, लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और भी किसी के मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा।